जी नाज़रीन, वेलकम टू द शो। मैं हूँ आपकी होस्ट मेबल नायाब और आज हम आपको टैपिंग मसाज करके बताएंगे। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। और आप मुझे ये बताइएगा, बल्कि मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि किस तरह आप टैपिंग मसाज करके बताएंगे, उसका तरीका कार मुकम्मल बताइएगा। इसके बीच में जो एयर आएगी ना, वो हमें तकलीफ़ नहीं देगी, हमारे अंदर की एयर को बाहर निकाल देगी। और पोर्स होते हैं सब जगह पर, तो थोड़ा थोड़ा करके निकल जाएंगे और हर जगह पे। सुनो, देखो मुझे, देखो मुझे, देखो आप, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। अच्छा। और होलो बनाओ। ओके ओके, होलो। हाँ, होलो बनाओ। मैं छनछन वाली हूँ, जो रास्ते में बजा रहे थे, मैं बहुत बार उन्हीं से सीखा है। मैं छनछन वालों से सीखा है, मान से ये चीजें बहुत मजा आती है उनसे सीखने में। मैम, सीखना इंसान चाहे तो किसी ना किसी से। और इधर पिट्यूटरी ग्लैंड को जरूर मारेंगे। और ये मुझे लग नहीं रहा है, दिस इज अ एयर लॉक आई एम ओपनिंग। अच्छा, अभी सीधा हाथ बहुत चला है तो उल्टा हाथ को चलाओ। मैम, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए होता है। और ये टैपिंग, तो आपको सर को मार नहीं पड़ेगी। एक हॉलोनेस आपको एयर दे रहा है, एयर से पुश कर रहा है, एयर दे रहा है। सी, कैन यू साउंड, कैन यू साउंड? यस। ये देखो, और जहाँ ये कर्ल्स बाल आ रहे ना, और इधर बाल खा भी गया है वो आपका, जो भी आपने एक्सटेंशो लगाया है, जो एक्सटेंशो जो भी है। मैं तो नाम भी नहीं सोचना चाह रही हूँ। असल में इशू मेरे साथ ये है कि मेरे साथ काफी टाइम से जो है यहाँ, मतलब ये जो मेरा फ्रंट है ना, इसमें मुझे हेयर्स ही नहीं है, मतलब हेयर के बहुत इशू नहीं हो। चलो, तुमने छेड़ दिया मुझे। सामने वालों, अगर सामने से आपके हेयर्स नहीं है, बहुत सारे जानों के नहीं, तो स्पेशली बॉयज के पहले जाते हैं, बॉयज के। और आजकल गर्ल्स में भी मैन बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे कि ये, वैसे आप पाकिस्तान में बहुत सारे सुरमे मिलते हैं, इसमें तो सऊदी अरेबिया से जो हमने सुरमा लाए थे वो मंगाते हैं, वो है जहाँ काले ऊँट पैदा होते हैं। लेकिन ऑर्डनरी सुरमा भी चलता है। okay. और ये बाज़ार में ऑर्डनरी तरीके okay, से मिल भी जाता है। देखिए, हमने एक अंदाज़े से इसमें, हमने ये इनके जो फ्रंट से बाल नहीं आ रहे ना, ये उसके लिए है। ठीक है, ठीक है मैम। और साइनस जो मैंने तेल बनाना सिखाया, यू शुड यूज़ इट। ओके। और मैं आपको बता रही हूँ, विद इन 3 मंथ आपके यहाँ पे डबल डबल रूट्स शुरू हो जाएंगे, और मैं कंफर्म हूँ। इसमें हमने क्या डाला है, हमने इसके अंदर होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन डाली है, जिनसिंग डाली हुई है इसके अंदर। अच्छा। आर्नी का डला हुआ है। okay. ऐसे 5 होम्योपैथी के बालों के मामले में आती है। ठीक है, कोई भी कंपनी उठा लें आप, उसमें ये डाल सकते हैं। ठीक है। फिर एप्पल साइडर विनीगर, और एप्पल साइडर विनीगर मैं खुद यूँ बनाती हूँ कि मुझे भरोसा नहीं है कि ये एसेंस है कि क्या है, तो मैं सिंथेटिक विनीगर बड़े गैलन ले लेती हूँ, उसमें दबा के मैं एप्पल डाल देती हूँ, और प्याज के छिलके भी उसमें डाल देते हैं, रेड वाली प्याज के। ठीक है, वो भी हम डाल देते हैं। इसके बाद अदरक, लहसुन, दालचीनी, गरम मसाला जो भी होता है साबुत, वो भी मैं डाल देती हूँ। ठीक है, वो रख के हमने बंद करो प्लास्टिक में, कांच में, कांच में मेक श्योर, कांच प्लास्टिक वो और नुकसान करेगा। ठीक है, लेकिन इधर हम प्लास्टिक इसलिए दें, लेकिन ये मेडिसिन प्लास्टिक है, तो यू कैन यूज इट। ओके, जैसे इतनी बॉटल है, इसमें हर चीज़ मैंने 10 डाली, इतना अगर मुझे बना, लेकिन इतना नहीं, हम बल्क बनाते हैं और ये रोज का नहीं होता। अब ये तुमने सुरमा लिया। okay, देखो अभी ये बबल्स बनेंगे, देखना। हाँ, और ये फूलेगा, इसके फॉलिकल हम एक्टिव करेंगे। अब ये देखो, मैं थोड़ी देर में छोड़ती हूँ, और शुरू, ये बबल शुरू हो गए, इफ़ यू कैन सी। ओके, ये पूरे बबल होके ऊपर आ रहे हैं, ये फॉलिकल एक्टिवेटर बोला जाता है। ठीक है, ये देखें, देखें ये फूल रहा है पूरा। फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम अपने वैसे महादुल जाएगा, उसका मसला नहीं है। हमने ये उंगली से डाला, और जहाँ मुझे बाल नहीं आते हैं, जहाँ जहाँ बाल नहीं आते, उधर उधर मैं इसको लगा रात को, और तकिए के ऊपर प्लास्टिक बिछा दा रहे हैं ताकि बाल खाएँ, तकिया ना खाएँ। देखिए, क्योंकि वाकई इनके इधर से थोड़े से वीक है, और मैं इसकी कन्फर्मेशन दे रही हूँ आपको कि कुछ टाइम में आपको एक गारंटी के साथ बाल आएंगे, छोटे छोटे रूट्स आना शुरू होंगे, फिर बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखो, ये अंदर डालें स्कल्प के अंदर। ठीक है, और ये आजकल हेयर फाइबर्स लगाते हैं जस्ट टू कवर। अगर आप ये सुरमा, एक तो सस्ता भी बहुत हो जाएगा, और उसको आप लगा लें तो बाल तो को हर किसी के घर में, नहीं घर में भी है दुकानों। देखो आप, ये देखो इधर इनका बिल्कुल रीबॉन्डिंग उसने खींचा है, रूट्स आ गए लेकिन बहुत कमज़ोर है। तो व्हाट वी गोइंग टू डू अगेन, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस।
और ये बार भी अगर निकलती और ये स्कल बार बार आ जाता है तो इधर सुरमा लगा के जा सकती है। लोगों का भी मसला हल हो गया जिनको फ्रंट से काफी प्रॉब्लम रहता है, पूरे के पूरे बाल आ सकते हैं। और फिर अगर सीधे हाथ से बाल नहीं आते तो एक्यूपंक्चर भी सिखा देंगे, हाँ, क्योंकि फिर हम उल्टा हाथ यूज करेंगे ना, क्या निकल बार, ठीक है, निकल बार, निकल बार, हाँ निकल। लिखे आप ने जिस तरह मैम उसका है ना, आपने बताया कि हमारे यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं और कान की तरफ जो हमारे दूसरे हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, इसी तरह से जैसे लाइक ये वाला पार्ट जो सबको दर्द होता है, हाँ ये बिल्कुल ऐसा पार्ट होता है कि जिसपे आप हर इंसान इतना प्रेशर जो है वो नहीं अप्लाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अभी क्या सीखा है, हॉलो, लाइक वी हॉलो टैपिंग, हॉलो टैपिंग, हॉलो टैपिंग, नॉट पिक्चर, थप्पड़, ये थप्पड़ है ये लगेगी, होलो है, थप्पड़े मारनी आसान सी चीज है, डॉक्टर सुकैरा ने बताया कि होलोनेस आपको नहीं पेन करेगा, हो रहा है नहीं, ये पेन करता है, सी दिस इज थप्पड़, गुस्सा उस आता हो तो कर लेने का थोड़ी देर बीच में, थोड़ी देर बीच में मार लेने का, लेकिन होलो 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 बनाओ, ठीक है, ताकि एयर जो है वो पास हो, स्पेशली इस जगह पे पिट्यूटरी, हराम मगज जिंदा होगा तो हलाल पे चला जाएगा, चला जाएगा, अभी हराम बंद होगा तो फिर हराम ही यहां बनता पे रहेगा, हमारे पीछे जो जुकाम, फ्लू, बीमारी, ये जहर है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से शुरू होती है और स्पाइनल कॉर्ड आपको सप्लाई करती है, हम किसी जोरों के दर्द में और दूसरी चीजों में वो भी चाट ले आएंगे इंशाल्लाह, पता भी नहीं चलता है, इसको बैलेंसली आप इसको कर ले, बस अब ये हो गया। अब हम शैम्पू की तरफ आते हैं क्योंकि ये एक टोटका साथ में होता है, ऑयल भी होता है जो मैं नाक का बता दिए, नेक्स्ट प्रोग्राम आपको अरोमा पे दे रहे हैं, अगला महीना ठंडी है और हरे की खुश्की हो जाएगी, बहुत मसले आएंगे। सो आपने बोला कि कोई भी ऑर्डिनरी शैम्पू की बॉटल आपने शैम्पू बाजार से ले लिया, ठीक है, एक चूल्हे पे आपने पानी डाला, स्टील के बर्तन में डालिएगा, सिल्वर अगेन ना हो, फिर इसके बाद आपने क्या किया कि अच्छा देखिए ये मेरा नहीं निकलेगा ना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं विनेगर से इसको साफ कर लूंगी अपने आप को, देखो ये भी आपने बताया, हाँ नहीं आपका कभी कोई भी दाग नहीं होता ना विनेगर से, हाँ विनेगर से फौरन, ये देखो ठीक है, कपड़ों पे भी, हाँ कपड़े पे भी कर सकते हो, कपड़ों पे टेलकम पाउडर लगा के भी दाग हटा सकते हो, वो भी मैं बता दूंगी कोई भी प्रोग्राम में, ठीक है। अब हमने शैम्पू को क्या किया, अभी मैं आपको बताती हूँ, अब हमने कोई भी शैम्पू आप लोग यूज़ करते हैं कोई भी ब्रांड, ये देखें शहद का कमाल है, ओ देखो कैन यू सी, हम वापस उंडेल देंगे, कंसिस्टेंसी काफी थिक है इसकी, हाँ ठीक है, और आखिरी में हर्ब्स उतरेंगे निकलेंगे, ठीक है, ये देखिए आखिरी में हर्ब्स आ गए, लाइक ऐसा लग रहा तुक मलंगा है, हाँ, तुक मलंगा है लेकिन तुक मलंगा नहीं, अच्छा बालों में तुक मलंगा बालों को बहुत सॉफ्ट करता है, लाइक बट यू हैव टू मेक इंस्टेंटली, जिनके रफ हेयर्स होते हैं, हाँ रफ जैसे यहाँ से आ रहे हैं ना, वो जो मैंने आपको एलोवेरा में बोला ना, थोड़ा से तुक मलंगे भीगे हुए भी डाल दोगे तो अच्छा का, लेकिन वो निकलते बड़ी मुश्किल से, थोड़ा जिद करेंगे पानी के अंदर, जिद करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो शैम्पू है ना, कि देखिए इसको थिक हमने नेचुरली कर दिया, बाजार का शैम्पू आपको इतना हर्ब्स और उसके साथ नेचुरल नहीं मिलता, ये देखेंगे शहद भी इसके अंदर मिक्स है और उसमें हर्ब्स, आंवला, सिकाकाई, बालजार, अदरक, सूंठ जिसको बोलते हैं वो पीसा हुआ है, हर्बल शैम्पू, एंड इफ़ यू कैन स्मेल इट, हनी की खुशबू है पूरी, ठीक है, और नेचुरल हनी की जगह, और एलोवेरा बहुत डला हुआ है, अच्छा हाँ, तो ये जो है ना जब ये करेंगे ना तो ये बहुत घीच नहीं बनाएगा बालों को, बाल को जितनी घीच दोगे ना उतना ड्राई साइड पे चले जाएगा, ये बड़ा मॉइस्चराइजिंग जैसे ना कंडीशनर शैम्पू, बालों के इश्यूज है, हाँ, इसी से मेरा हल हो जाएगा कंफर्म, क्योंकि आपने सिर्फ अपने बालों को केमिकल ट्रीटमेंट नहीं दी शैम्पू के फॉर्म में, आपने शैम्पू तो बाजार का ले लिया बट यू विल एड, जैसे कावा बनाते हैं ना इस तरीके से स्टील की देगची में थोड़ा सा पानी लिया, ठीक है, इसमें लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, आंवला, सिकाकाई, बालजर, धनिया साबुत, फिर इसके बाद आपने रूट बीट डाल दिए, पालक डाल दी और उसके बाद एलोवेरा भी डाल दिए, इन सबको धीमी आंच पे पका लिए, ढकना मार के, ठीक है, जब ये बिल्कुल पक पक के आधे जैसा हो जाता है तो व्हाट यू गोइंग टू डू कि इसको छाने और शैम्पू में मिला लें, अगेन अभी इधर एक और चीज़ ऐड करें, अच्छा। वो तीन किस्म चार किस्म के जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, 9 kinds of ginseng पूरी आती है बॉटल बनी हुई, 27,000 की आती है, अगर बड़ी वाली ले लो, छोटी अच्छा। छोटी आपको मिलेगी 300-350 एनी ब्रांड, लाइक मैं बड़ी ब्रांड की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो तो इसको आपने आहिस्ते से उसमें सब मिलाया, हम ले आएंगे किस दिन किस तरीके से होम्योपैथिक कंपोज डाला जाता है, क्योंकि फौरन डालोगे माल फट जाएगा, एक स्टेज पे जाके होम्योपैथिक डलेगा क्योंकि वो अल्कोहल बेस होता है, ठीक है। तो ये आपने ये सब मिला दिया और ये आपका शैम्पू बहुत, हम ये तो
कमर्शियल है, लेकिन ये कि बड़े बल्क में लोग ले जाते हैं, कोई 10 किलो ले जाता है, कोई 50 किलो ले जाता है, डिपेंड कि किसके घर में कितने लोग हैं, कोई जगह से वो कोई सेल भी कर रहा होता है। देखो अभी आप देखो ये कितना, इसका बाल का पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ डाला है और वो इसकी जान आ गई है बालों में। हाँ ठीक ठीक, अभी से बहुत ज्यादा थिक, हाँ बहुत ज्यादा थिक आ रहे आपके। मैम आपने जो चीजें बताई उनको अच्छे से पकाना है, देन ठंडा होने का वेट। हाँ जैसे आधा हो गया पक के धीमी आंच पे, आपने उसको छाना ठीक है। और जो आपने शैम्पू लिया, अच्छा जितनी क्वांटिटी में आपने बाजार का शैम्पू लिया इतनी क्वांटिटी में आपका पानी होगा। जैसे अगर एक ग्लास मेरे पास शैम्पू है तो एक ग्लास वो जो हमारा मसाला बनाया है वो डाला। अच्छा शैम्पू जैसे ही डालने से पहले थोड़ी थोड़ी देर में वो जो दवा जो हमने कावा बनाया है ना वो थोड़ा डलेगा, फिर बीच में थोड़ा होम्योपैथिक डालेगा, 10 ड्रॉप्स के डाले, 10 उसके डाले, आर्निका है, 9 काइंड ऑफ जिनसिंग है, और ऐसी सब चीज़ें डलेगी। और बालों का बहुत सारा हिसाब होता है और ना डालें तो भी चलता है, लेकिन रिजल्ट 100% इस तरह हो जाते हैं। क्योंकि देखिए ना, मैं अगर अभी आपको बात करूं और आप बोलो मैंने आपसे चीज़ ली वो उसने काम अच्छा किया, नहीं उसका अच्छा था और मैंने आपने सिखाया वो मैंने रिजल्ट। मेरे अब्बू हमेशा बोलते थे कि यहाँ से तुम्हारे कोई ले जा सकता है अगर तुम बांटोगे, नसीब में लिखा हुआ है वो कौन ले जाएगा, वो तो मुझे कहीं से भी ढूंढ के मेरे नसीब का मिलेगा। बांटो खाओ और सुकून भी बहुत आता है। मैं आई क्यों हूँ कि मैं बहुत दिनों से नॉलेज नहीं दे रही थी और मेरे को एक किस्म की बेचैनी हो रही थी कि आई एम हियर फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, आई दुनिया में आए तो सबको जाना है। तो आप अपने पास नॉलेज उसको छुपाओ नहीं, छुपाओ नहीं। आप यकीन करो मैंने जितना बांटा है मुझे अल्लाह ताला ने उसे और बहुत रिवॉर्ड्स, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा अच्छा मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। और मैं उसकी शुक्र गुजार हूँ कि उसने मुझे आज इस काबिल किया कि मैं आप लोगों के साथ आके आगे फॉरवर्ड करी, बच्चों की भी मेहनत है। एंड थैंक यू वेरी मच आप लोग सबों का। नेक्स्ट प्रोग्राम हम अरोमा देंगे। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई, अपना कीमती वक्त दिया और अपनी बहुत ज़बरदस्त नॉलेज हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और मौजू के साथ, अब तक के लिए अपनी मेज़बान मेबल नायाब आपको दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।